संविधान इंडिया। कितने का दिया ये? 10 रुपए का। एक दे दो। भैया मिठाई दे दो। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दे भैया। माफ करना भैया। रुक जा। ले यार। अरे आपकी तबीयत खराब है। अरे नहीं यार, नहीं। अरे मेरे ऑटो बैठिए, आइए। मैं छोड़ देता हूँ ना भाई साहब। आइए, अरे आइए ना। आइए। हाँ हाँ, आराम से, आराम से बैठिए बैठिए। गहलोत, 3 महीने में अब तक ये 7वीं लाश है और सभी का कत्ल गला काट कर किया गया। एम्बुलेंस बुलाओ, चलो। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी का शहर बरेली अपने बांसों और सुरमे के लिए मशहूर रहा है और इतना ही मशहूर रहा है बरेली का बाजार। लेकिन इसी बाजार में एक के बाद एक हुई 7 हत्याओं ने इस शहर की फिजा में खून की गंध घोल दी थी। ऐसी ही एक वारदात फिर हुई। एक आदमी बाजार गया लेकिन वापस लौट कर नहीं आया और कुछ अरसे बाद मिली उसकी लाश। हत्यारे ने उसका सब कुछ लूट लिया था। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम था? अगर हाँ तो उस किलर का यूं लूट कर हत्याएं करने का क्या मकसद था? क्या ये 7 हत्याएं किसी तरह से आपस में जुड़ी हुई थी या फिर अलग अलग मामले थे? अजीब बात ये थी कि लूट के ज्यादातर मामलों में लुटेरे कीमती चीजें लूटकर अपने शिकार को छोड़ देते हैं, लेकिन इन मामलों में क्रिमिनल ने अपने शिकार के बदन पर कपड़े और जूते तक नहीं छोड़े थे। ऐसा क्यों था और कौन था इन सारी वारदातों के पीछे? आइए देखते हैं। ड्राइवर साहब, सामान निकालो। रोहित भैया, मेरे लिए दुबई से क्या लेके आए? अंदर चल, दिखाता हूँ। प्रणाम। थोड़े दिनों में तेरी शादी होने वाली है। प्रणाम। और हरकतें बच्चों जैसी। अब तू आ गया बेटा, अब तू ही इसे समझाना, कहीं ससुराल में जाके तेरी माँ का नाम ना खराब करे। और निर्मला, साल भर बाद तेरा भाई आया है, यही खड़े होकर सारी बातें कर लेगी। अंदर चलो। अभी बैग लेके आई मैं। भैया काफी भारी बैग है। तेरा ही सामान है, चल। बाबूजी ये आपके लिए और माँ ये तुम्हारे लिए। और भैया मेरे लिए? ये सब तेरे लिए ही तो है। अच्छा भैया, दुबई जाके आप तो एकदम फैशनेबल हो गए, एकदम चमचमा। ओहो, ये तो देखो, रोहित कपूर का आर के। देखो माँ, दुबई से है ना अपने लिए जैकेट लेके आया है। लिया नहीं है, ये दुबई की एक दुकान से स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है ये डिजाइन। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। अरे ये दिखाओ, ब्रेसलेट देखो माँ, ब्रेसलेट ब्रेसलेट भी दिखाओ, दिखाओ। बहुत सुंदर लग रहा है, उस पे अपना नाम भी लिखा हुआ है, एकदम हीरो टाइप लग रहे हो तुम तो। देखो निर्मला, इस उम्र में ये सब नहीं करेगा तो कब करेगा? भैया इसके ऊपर भी आर के लिखा है क्या? दिखाओ दिखाओ। बस भाई, मैं तो इसी बात में बहुत खुश हूँ कि तू वहां रह करके इतनी तरक्की कर रहा है। बस निर्मला की शादी हो जाए, मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा जाऊँ। ऐसे कैसे मुक्ति पापा, मुझे शादी के चक्कर में फिसा दिया और भैया के गले में शादी की घंटी कौन बांधेगा? निर्मला, शादी होने वाली है तेरी, अब तो बड़ी हो जा। जाओ ना भैया।
शादी सर पर है, कब आएगा बाकी का सामान? तुम्हें एन वक्त पर ही सब कुछ याद आता है। मैं तो बोल बोल कर थक गई, पर मेरी कोई सुनता है? माँ मैं हूँ ना, मैं लाऊंगा, बोलो क्या क्या लाना है। सब कुछ जनता बाजार में मिल जाएगा, पूरे शहर में अलग अलग दुकानों पर जाने की बजाय वहीं चले जाना। जी ठीक है। और हाँ भैया, अपने भड़कीले कपड़े जरूर पहन के जाना, क्या पता मार्केट में तुम्हारी ब्रेसलेट और जैकेट देख के कोई लड़की फिदा हो जाए। दोस्तों को फोन कर लिया, पर वो कह रहे कि वो आए नहीं वहाँ पर, पता नहीं कहाँ चले गए, किसी को खबर नहीं है। यही तो बात है, उसका फोन बंद आ रहा है। और पहले तो भैया कभी ऐसे बिना बोल के नहीं गए। अरे तू कहाँ जा रही है? माँ पुलिस स्टेशन, अब तक तो भैया ने आ जाना चाहिए था ना, कितनी देर हो गई, रात के 9 बज गए। माँ जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। कुछ इतना मत कर, मैं निर्मला के साथ जाके पुलिस स्टेशन होके आता हूँ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद रोहित के घर वालों ने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन जब रोहित का कहीं कोई पता नहीं चला तो निर्मला और उसके पिता ने फौरन पुलिस के पास जाने का फैसला किया। निर्मला की शादी की तैयारियों के बीच भाई का इस तरह से गायब होना सभी को परेशान कर रहा था, किसी अनहोनी के डर ने सभी को घेर रखा था। पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए इस केस पर अपनी तहकीकात शुरू कर दी। आप लोगों के पास रोहित की कोई फोटोग्राफ वगैरह है? आज उसने क्या पहना था, कहाँ गया था, कुछ मालूम? सब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने नीली जीन्स और नीली टी शर्ट पहनी हुई थी और एक काली जैकेट, उस काली जैकेट पे आरके लिखा हुआ था और उसके सीधे हाथ में सोने का ब्रेसलेट था, उस पर भी आरके लिखा हुआ है। आज सुबह इसकी शादी का सामान लेने जनता बाजार गया था, तब से अभी तक नहीं लौटा इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मैंने डिटेल ले लिए, जैसे कुछ पता चलता मैं आप लोग को बताता हूँ। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। गहलोत तुमने एक बात नोटिस की, ये मिसिंग केस भी जनता बाजार से ही है। क्या लगता है सर, ये भी वैसा ही केस है? हमें जल्दी छानबीन शुरू करनी होगी, हो सकता है रोहित हमें मिल ही जाए। और अगर खुदा ना खास्ता ये केस भी पहले केस जैसा हुआ तो रोहित की बॉडी। तुम एक काम करो, जितना जल्दी हो सके रोहित की डिटेल आसपास के सभी थानों में पहुंचा दो। यस सर। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन निर्मला भी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। आखिर उसका भाई गायब था। निर्मला ने अपने तरीके से रोहित की तलाश करनी शुरू कर दी और इसी तलाश के चलते वो उस बाजार में जा पहुंची जहां रोहित को आखिरी बार देखा गया था। देखा इन्हें? नहीं देखा। अरे मिठाई खाओ, मिठाई मिठाई। तुमने देखा इन्हें? नहीं मैडम, नहीं, इनको तो मैंने नहीं देखा। भैया क्या आपने इन्हें देखा है? हाँ हाँ, ये कुछ दिन पहले भी मेरी दुकान पे आए थे और काफी खरीदारी करी थी इन्होंने, और कुछ बहुत महंगे सामान भी खरीदे इन्होंने मेरी दुकान से। फिर यहाँ से कहाँ गए वे? अब कहाँ गए ये मैं नहीं बता सकता। थैंक यू भाई। जी शुक्रिया।
पीछे हटो साइड दो भाई। गहलोत, 3 महीने में अब तक ये 7वीं लाश है और सभी का कत्ल गला काट कर किया गया। एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो माँ, पापा, माँ, पापा, पुलिस स्टेशन से फोन था, भैया के बारे में कुछ पता चला। फोन मिल गया। चलो जल्दी पापा। मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ जहर के जांच की रिपोर्ट भी चाहिए, जैसा कि पिछले केसेस में भी हुआ है। जबान पर धब्बे हालांकि हल्के हैं, फिर भी ट्रेसेस अभी भी बाकी हैं। यानी सर, ये हत्या भी मिठाई किलर ने की है? अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कत्ल करने का पैटर्न वही है। मिठाई किलर? रोहित से पहले 6 और लोग भी ठीक इसी तरह जनता बाजार से गायब हुए थे। इन सभी लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब सी बात सामने आई। इन सभी लोगों की जबान पर नारंगी कलर का रंग था। जांच करने से पता चला कि ये खाने में मिलाया जाने वाला एक किस्म का रंग है। बेहोशी की हालत में कातिल बड़े ही शातिर तरीके से अपने शिकार की गला काटकर हत्या कर देता है। इसलिए इन्हीं सब वजहों के कारण हमने इस हत्यारे का नाम मिठाई किलर रखा है। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे भैया का भी मौत ऐसे हुआ? मौका वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर तो ये लगता है। और अगर पिछले 6 केसेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो रोहित की मौत भी इसी कातिल का काम लगती है। रिपोर्ट आने दीजिए, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि क्या हुआ। कातिल शहर में खुला घूम रहा है, 6 खून पहले हो चुके, ये 7वां खून है। अब तक आपको कोई सबूत नहीं मिला? क्या कर रही है आपकी पुलिस खान साहब? सबको राउंड अप लो। देखिए, पुलिस अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। इस वक्त मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जबकि दूसरी तरफ पूरी पुलिस टीम पूरे शहर में गश्त लगा रही है, हर उस मिठाई वाले पर नजर रखी जा रही है। लेकिन हमारी हर कोशिश के बावजूद वो कातिल हमें चकमा देने में कामयाब रहा है। ऐसा लगता है कातिल बड़े ही शातिर तरीके से अपने शिकार को सबसे पहले जहर देकर बेहोश करता है, फिर उसे किसी सुनसान इलाके में ले जाकर लूटता है, बाद में उसकी गला काटकर हत्या करके दरिया फेंक देता है। अब तक केवल 7 लाशें हमें मिली हैं, जबकि जनता बाजार से 12 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट है हमारे पास। जितनी भी लाशें हमें मिली हैं वो सब अधनंगी हालत में मिली है। आदमी सिर्फ अंडरवेयर में और औरतें सिर्फ पेटीकोट ब्लाउज में। कीमती सामान के बारे में क्या कहूं, कातिल ने अपने शिकार के डेड बॉडीज पे जूते चप्पल तक नहीं छोड़े। अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कातिल ने इस भीड़ भरे बाजार में अपने शिकार को जहर दिया। हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये कातिल अपने शिकार को पहले से ही जानता हो ताकि इसका काम आसान हो जाए, या फिर ये सब लोग जिनका कत्ल हुआ वो सब इस जहर खुरानी का शिकार ना होकर कहीं बाहर से आए। सवाल जितने आपके पास हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। इसका मतलब मेरे भैया का कत्ल कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, एक के बाद एक वो कत्ल कत्ल करता ही रहेगा। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपनी किसी एक गलती के कारण वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। और मेरा यकीन मानिए, ये कातिल भी बहुत ही जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। अबे चल। क्या हुआ साहब? चल। कहाँ ले जा रहे हो साहब? चल। और जैसा कि इंस्पेक्टर खान को डर था, इस बार भी वही हुआ। जनता बाजार के ठेलों पर रेड करने के बावजूद उन्हें कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिल पाया, और हर बार की तरह इस बार भी उन ठेले वालों को
कोई सबूत ना मिलने के कारण छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के आने से ये साबित हो गया कि रोहित की हत्या भी उसी हत्यारे ने की थी जिसे पुलिस मिठाई किलर कह रही। लूट के बाद उसकी हत्या भी उसी तरीके से तेज धार हथियार से गला काटकर की गई थी। इससे एक बात तो तय थी कि रोहित भी उन्हीं हत्याओं के सिलसिले की एक और कड़ी था। पुलिस अफसर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन मिठाई वालों का इन हत्याओं से क्या कनेक्शन है, और अगर है तो उनके पास कोई सुराग क्यों नहीं मिलता। ये वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसीलिए पुलिस पर इस केस को क्रैक करने का दबाव बढ़ गया। लेकिन इसी बीच निर्मला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इस दुख के माहौल में किसी ने भी नहीं सोचा था। क्या क्या कह रहे हैं आप? देखिए कपूर साहब, रोहित की अचानक मौत के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। हमें लगा कि कमल और निर्मला की शादी के बाद रोहित कमल की कहीं दुबई में जॉब लगवा देगा, पर अब जब रोहित नहीं रहा तो हमें इस रिश्ते के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। लेकिन दुबे जी, जब तक मेरे भैया की खूनी को सजा नहीं मिलती, शादी तो दूर की बात है, किसी भी खुशी के बारे में सोचना मेरे लिए गलत होगा। उसने मेरे भाई और आपके बेटे को छीना है और वो हत्यारा खुले आम घूम रहा है। उसको तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं उसको जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ और उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। निर्मला जी। पापा देखो बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। पापा काम कर सकते, भूल सकते भाई के कातिल को, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। मैं अपने भाई के कातिलों को सजा दिलाकर रहूंगी। मैं ढूंढूंगी उसे। जैकेट मेरी भैया की है। ये जैकेट? हाँ, क्या मुझे जैकेट दिखा सकते हैं? ये वही जैकेट है, मुझे यकीन है इस बात का। उसने भी अपने नाम का मोनोग्राम बनाया था। ये जैकेट कहाँ से मिली तुम्हें? मेरे भाई की सेकंड हैंड चीजों की दुकान है, वहीं पर ये जैकेट उसको कोई बेच के गया था। क्या तुम अपने भाई से मिला सकते हो मुझे? हाँ चलो। देखिए, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन सही में इस जैकेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लोग यहाँ पे अपनी सेकेंड हैंड चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं। मैं किसी से नाम नहीं पूछता, क्योंकि अगर नाम पूछूंगा तो लोग झूठ ही बताएंगे। अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता।
भाई साहब इसे बेचना है। हाँ भाई आप अंदर चले जाओ ना। अच्छा ठीक है। मैं एक काम कर सकती हूँ, आसपास के सारी दुकानों में देख सकती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। भैया के और भी सामान मिल सकते हैं मुझे। कहाँ कहाँ ढूंढोगे तुम? और इस बात की भी क्या गारंटी है कि उन लोगों ने सारा तुम्हारे भाई से चुराया हुआ सामान इसी मार्केट में ही बेचा होगा? वो मेरे भैया थे, मुझे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो सबूत मिल जाएगा मुझे। मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, चाहे 1000 दुकान हो मैं देखूंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज प्लीज इनकार मत करना। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी बेचकर तो गई थी ये हमारे यहाँ। क्या आप मुझे दिखा सकते हो ब्रेसलेट? हाँ हाँ क्यों नहीं, देखिए कहीं ये तो नहीं था। मैं ये दिखा ब्रेसलेट, क्या मैं ब्रेसलेट ले सकती हूँ? हाँ हाँ वो जिस कीमत में हमने लिए वही कीमत अब हमें दे दीजिए, आप ले सकती हैं। अब तक की तमाम छानबीन के बाद हमें यह पहला सुराग मिला है। हमें शक था कि कातिल अपने कीमती सामान को कहीं बाजार में जाकर बेचता है। थैंक्स मेहमान जी, आपकी वजह से हमारा यह शक यकीन में बदल चुका है। अब हमें पता चल चुका है कि कातिल ये सारे सामान को ले जाकर जनता बाजार में बेचता है और उसके साथ कोई औरत भी शामिल है। अब उन सभी दुकानों पर कड़ी निगरानी की जा सकती है जहां पर इस तरह के पुराने सामानों की खरीद फरोख्त की जाती है। सर हाँ, तो जो औरत जनता बाजार से गायब हुई थी उसकी लाश मिल चुकी है। कत्ल ठीक उसी तरह हुआ है, बदन पर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज है और गला कटा हुआ। सर उस औरत के रिश्तेदारों को किसी तरह उस औरत के बारे में पता चल गया है, वो लोग बाहर ही हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। बताइए इंस्पेक्टर साहब मेरी रचना कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब जवाब दीजिए, कहाँ है मेरी रचना बताइए आप। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। देखिए आपकी बेटी के बारे में जल्दी बता दिया जाएगा, चलो गाड़ी निकालो। भाई साहब आप रचना के पिता हैं? हाँ मैं रचना का पिता हूँ। रचना ने क्या पहना था? हरे रंग की साड़ी और उसे कोई जेवर पहने थे क्या? हाँ, जिस दिन मेरी बेटी रचना गायब हुई उसने ये साड़ी और ये जेवर पहन रखे थे। ये उसी की फोटो है? हाँ। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। तुम इस औरत के झुमके को क्यों तलाश रही हो? क्या मिलेगा इससे? शायद किसी दुकानदार को याद हो और कुछ ज्यादा पता चले, क्योंकि हाल ही में ये खून हुआ था। चलो भाई साहब। जी बताइए। आपके पास ऐसे झुमके है क्या? हाँ है मेरे पास। जरा दिखाइए ना। दिखाता हूँ, ये लीजिए। ये आपको कहाँ से मिला? ये 2 दिन पहले एक बुरके वाली बेच के गई थी। हुसैन। सर आपने मरने वालों के कीमती सामान की जो लिस्ट बनाने को कहा था वो रेडी है। एक काम करो, जो भी लोग जनता बाजार से गायब हैं और जिनकी लाश अभी तक हमें बरामद नहीं हुई, उन सभी के चोरी किए गए कीमती सामानों की एक लिस्ट तैयार करो। सबसे पहले हम उन सामानों को खोजेंगे। हो सकता है इन सामानों को खोजते हुए हमें कोई ऐसा सुराग मिले जिससे हम कातिलों तक पहुंच सकें। सर ये उन दुकानदारों की लिस्ट है जो सेकेंड हैंड माल बेचते और खरीदते हैं, क्यों ना हम इन दुकानदारों को चौकन्ना कर दें? नहीं, हो सकता है अगर उनमें से कोई इनमें मिला हुआ हो तो। एक काम करो, अपने कुछ हवलदार सादी वर्दी में दुकान में फैला दो। यस। हर उस दुकान पर कड़ी नजर रखो जहां पर ये सेकंड हैंड सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। कौन आता है कौन जाता है, खासकर किसी भी बुरके वाली औरत पर। यस सर।
सर पोजीशन ले ली है सर, नजर रख रहे हैं। जयन सर अभी तक वो संदिग्ध नहीं दिखा सर। ओके सर। हाँ कजरी, बाजार में पुलिस घूम रही है, कुछ भी मत बेचना। तेरी साइड पे खड़े हैं सारे सारे पुलिस वाले हैं वो। अरे उनकी नजर है हम पे, जो मैं कह रहा हूँ निकल ले वहां से, और मैं भी निकल रहा यहाँ से। देख पूरे बाजार में पुलिस घूम रही है, मुझे लगता है कि हमें ये शहर छोड़ना चाहिए और हम किसी दूसरे शहर में जाकर अपना धंधा करेंगे। ओए डरपोको जैसी बात मत कर, समझा ना। अगर ज्यादा डर लग रहा है ना तो मैं सारा सामान बेच कर आ जाऊंगी, बरेली में और भी बाजार है। तेरा दिमाग खराब हो गया? एक बार जो मैंने कह दिया शहर छोड़ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं बस। सुन पुलिस हमें नहीं दुकानें देख रही है, हम उनके नाक के नीचे से शिकार निकाल सकते हैं। हम बरेली की दूसरी दुकान में जाके सामान बेचेंगे। देख एक बार मैंने नाक कर दिया ना तो नाक कर दिया बस, मुझे बहस नहीं चाहिए समझी। सुन बहस की कोई बात ही नहीं है, अगर तुझे ज्यादा डर लगे ना तो चूड़ियां पहन ले हाथों में। हट। सर उस औरत का कुछ पता चला जो चोरी का माल बाजार में बेच के चली गई? नहीं, लेकिन जल्दी ही हम उसे पकड़ लेंगे। वो लोग बहुत शातिर लोग हैं सर, अगर उन्हें भनक भी पड़ गई कि बाजार में पुलिस है तो। फिलहाल हमारे पास अभी इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुलिस ने अपना जाल फैला दिया था, पुलिस वाले सादी वर्दी में पूरे बाजार में फैले हुए थे। निर्मला को डर था कि कहीं इस बात की भनक अपराधियों को ना लग जाए, लेकिन इंस्पेक्टर खान की फिक्र कुछ और भी थी। उन्हें यह डर था कि कहीं उन अपराधियों ने जगह बदलकर किसी और शहर में नई शुरुआत ना कर दी हो, क्योंकि ऐसे में उन्हें पकड़ना ना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि कई और मासूम उनके शिकार बनेंगे और इलाके की पुलिस को यह बात समझने में वक्त लगेगा कि यह काम किसी खास आदमी या फिर गैंग का है। इसी बीच पुलिस ने कुछ और सामान भी जनता बाजार की अलग अलग दुकानों से बरामद किया। ये चीजें उन गुमशुदा लोगों की थी जिन्हें गायब हुए अब एक अरसा हो चुका था और पुलिस का ये मानना था कि वो भी इस हत्यारे का ही शिकार हुए होंगे, लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका था। पूरी चौकसी के बावजूद पुलिस को अभी तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला था जो उन लोगों की चीजें बेचने आया हो जिनकी लूट के बाद हत्या हो चुकी थी। अब ये माना जा सकता कि वो चारों लोग जो जनता बाजार से गायब थे, जिनका कत्ल कर दिया गया और उनका एक कीमती सामान जनता बाजार से बरामद हुआ, इससे ये साबित होता है कि ये चारों भी उसी मिठाई किलर का शिकार। इस मिठाई किलर ने बेहोशी की हालत में इन्हें लूटा, फिर इनकी गला काटकर हत्या कर दी और ये सारा सामान जनता बाजार में जाकर बेचा। खुदा जाने और कितने मासूम लोग इन लोगों की हैवानियत का शिकार हुए होंगे। वाली मिठाई देना। अरे ये वाली खाओ ना मैडम, एक बार खाओगी तो याद करोगी कोई मिठाई दी थी मैंने, यहाँ की बहुत मशहूर मिठाई है।
मिठाई मिठाई दीदी, मिठाई ले लो ना, बहुत अच्छी मिठाई, 10 रुपए मैडम। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो दीदी। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो दीदी। माफ कर दो यार, प्लीज दीदी कुछ तो दे दो दीदी। दीदी आराम से आराम से, मैं छोड़ दूंगा आपको। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए, हाँ आराम से। निर्गुणा, और जाओ। पकड़ मिठाई वाले को। गलत, लगता है निर्मला जी को घर बना लिया गया और समय रहते उन्होंने ऑटो पकड़ लिया। हेलो सर, निर्मला को कुछ नहीं होना चाहिए। डरो मत, वो फिर बेहोश होंगी। निर्मला आप ऑटो पकड़ के पास पास के किसी हॉस्पिटल में गए होंगे। एक काम करो, तुम जाके पूछताछ करो, तब तक हम वहां पहुंचते हैं। अब ये वही बता सकती है कि ऐसे दिया गया। जी सर, मैं पहुंच रहा हूं। चलो। अभी 10 मिनट पहले कोई लड़की आई होगी बेहोशी की हालत। 10 मिनट तो छोड़िए सर, जैसी लड़की आप बता रहे हैं वैसी लड़की आज पूरे दिन में नहीं आई। क्यों निर्मला कहाँ है? मुझे उसे ऐसा करने से रोक लेना चाहिए था। कहीं ऑटो वाले का काम तो नहीं है? वो ऑटो वाला उसे भी अपने साथ ले गया। मैंने ऑटो का पीछा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रोका मैंने उस ऑटो को? पता नहीं वो किस हालत में होगी सर, आप उसे कैसे ढूंढेंगे? देखा करो, ये लोग अपने शिकार को किस नशे की हालत में बाजार में लाते हैं और ऑटो में बिठा कर कहीं दूर ले जाते हैं। बाजार है, ऑटो को आना जाना तो लगा ही रहता है, किसी को शक कैसे हो सकता है? सर लेकिन वो मिठाई वाले से कुछ पता चला? हमेशा की तरह नहीं। फिर उन लोगों ने जहर कैसे दिया होगा निर्मला को? यही तो पता लगाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले निर्मला को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? सर मैंने उस ऑटो का नंबर नोट किया था सर, नंबर याद आ गया मुझे। वेरी गुड, चलो फिर इन लोगों को पता लग जाएगा, जल्दी पढ़ाओ। अपने भाई रोहित के हथियारों की खोज में निकली निर्मला अब उन्हीं लुटेरे हथियारों के चंगुल में थी। पुलिस और राजेश अब उसे बचाने की कोशिश में लग गए थे। तो क्या निर्मला बच पाएगी या फिर उसका भी बाकी लोगों जैसा अंजाम होगा? अब हर पल कीमती था क्योंकि निर्मला की जान खतरे में थी। जी वो उधर है। सुनिए। हाँ बताइए। ये गोवर्धन का घर है? हाँ जी। ये ऑटो नंबर उसी का? हाँ हाँ, लेकिन क्या बात है, मैं उनकी पत्नी हूँ। अभी कहाँ मिलेगा तुम? वो अपने गैराज में मिलेंगे। कहाँ? मोहनपुर। मोहनपुर, चलो जल्दी पहुंचना होगा, ये लोग अपने शिकार को लूटने के बाद जान से मार देते। कम फास्ट। जैसे कपड़े उतार ले। ये रंग मंजा सही से कर लेना, स्टिकर विस्टर सही से कर लेना। धर्म कम। जी साहब। चल सर। क्या हो सर? क्या क्या? 7765 ऑटो तुम्हारा है? जी साहब, मगर मैं चलाता नहीं, भाड़े पे देता हूँ। फिर कौन चलाता है? ड्राइवर लोग चलाता सर। चल लेके चल, मारेगा
निर्मला, तुम्हें इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है अगर पुलिस सही वक्त पर नहीं आती तो उन लोगों ने तुम्हें भी मार दिया होता। सलाम। थैंक्स निर्मला जी, अगर आप मदद नहीं करती तो ये कातिल अब तक पकड़े नहीं जाते। अभी तक मुंह नहीं खोला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपको जहर किसने दिया? मैं बताती हूँ, बाजार में उस भीख मांगने वाली औरत ने मुझे अपनी टोकरी के बाद से खरोच लगाई। ये देखिए सर, खरोच, एकदम बारीक खरोच, लगता है इसलिए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने इसे नजरअंदाज किया होगा। क्योंकि इस टोकरी में लगे बांस की नोक पर माइल न्यूरोटॉक्सिन जहर लगा हुआ था, इसलिए जिस किसी को भी उससे खरोंचा जाता था जहर खून के संपर्क में आकर अपना काम शुरू कर देता था। विक्टिम की नसें ब्लॉक होने की वजह से उसके दिमाग में खून पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, इसलिए विक्टिम बेहोशी की हालत में चला जाता है। लेकिन सर, मिठाई वाले को इन केस से क्या मतलब? यही तो पता लगाना गहलोत, चलो। सब पता चल चुका है हमें, अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। एक बात बताओ, तुम उन्हीं लोगों को निशाना क्यों बनाते थे जो उस दुकान से मिठाई खरीदते? हमसे क्या पूछ रहे, यह सब पता क्या वैसा पता कर लो। सब आप तो जानते ही होंगे कि भीख मांगने वालों के भी अपने इलाके होते हैं, कोई किसी दूसरे के इलाके में भीख नहीं मांग सकता, और मुझे जनता बाजार में अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगा। हम ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो वहां अकेले खरीदारी करने आए, और उस आदमी या औरत के पास कोई भी कीमती चीज दिखती थी तो वो हमारा शिकार होता था। भैया मिठाई देना। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दे भैया। माफ करना भैया। रुक जा, ले यार। भाई साहब आपकी तबीयत खराब है? अरे मैं छोड़, अरे चिंता जो कर रहा है, बैठो 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 आराम से, कुछ भी दे रही हो, बैठ बैठ, हाँ बैठो बैठो, हाँ। बाजार में इतने सारे ऑटो रहते हैं कि कभी किसी को हम पर शक ही नहीं हुआ। लेकिन मिठाई खाने वाले ही क्यों, पान वाले, आइसक्रीम खाने वाले, ये सब के लिए? पुलिस को गुमराह करने के लिए, वरना पुलिस वाले हम सब पे शक करते, वो पान वाले पे, चने वाले पे, मिठाई वाले पे, और फिर यहाँ तक कि कजरी पे भी। मैं ये चाहता नहीं था कि पुलिस हम पे शक करे, जहर कजरी के पास रहता था और मैं नहीं चाहता था कि कजरी पकड़ी जाए, कजरी पकड़ी जाती तो हमारा भांडा फूट जाता और मैं कतई नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। बहुत भटकाया, बहुत घुमाया तुम लोग ने, अब सही जगह पहुंचे हो। तुम लोगों ने जो हैवानियत का खेल खेला है ना, उसके लिए सजा बहुत ही कम है, अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे।
सर, आखिरकार बरेली के मिठाई किलर को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो ही गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तमाम निगरानी के बाद जब हमें ये पता चला कि बाजार में किसी भी गुमशुदा का कोई भी चोरी किया गया कीमती सामान बेचा नहीं गया, तो हमें शक हुआ कि कहीं कातिल को हम पर शक ना हो। हमें डर था कि अगर ये लोग शहर से भाग गए तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने निर्मला जी से मदद करने की गुजारिश की, क्योंकि अब तक इस बात का हमें अंदाजा हो चुका था कि कातिल बड़ी ही शातिर तरीके से अपने शिकार को मिठाई खिलाकर भीड़ भरे बाजार में बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर लूटने के बाद मार देता है। और उस दिन जब निर्मला जी पर जहर का असर हुआ जी, तो उस वक्त हम समय पर इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन लोगों में से उनका एक साथी उन्हें रिक्शा में बैठाकर फरार हो चुका था। हमें लगा कि शायद वो बहला फुसला कर कहीं ले जा रहा होगा, लेकिन इस बात का हमें कतई अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह उन्हें जहर खिलाकर नशे की हालत में अगवा कर लेगा। थैंक यू सर। जब एक अपराधी क्राइम को अंजाम देता है तो उसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। इस लुटेरों के गैंग ने बड़ी ही चालाकी से लूट और हत्याओं को अंजाम दिया था। अगर पुलिस और निर्मला ने इतनी तेज दिमागी से काम न लिया होता तो इनका पकड़ा जाना मुश्किल था और ये न जाने कितने और निर्दोषों की जान ले लेते। जुगनू और कजरी को आईपीसी की धारा 328 के तहत जहर या फिर जहरीली चीज से नुकसान पहुंचाने के लिए, आईपीसी की धारा 394 के तहत लूट के लिए और आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। बाजार चाहे कोई भी हो, वहाँ जेब काटने और लूट से लेकर हत्याओं तक की आपराधिक घटनाएं होती है, इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर सावधान रहना बेहद जरूरी है क्योंकि अपराधी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लापरवाह लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।